तो कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व के सबसे बड़े घंटे को ढालने की तैयारियां अभी अब पूरी हो चुकी हैं। इसकी तैयारियां पिछले एक साल से चल रही हैं। घंटे को बना रहे इंजीनियर देवेंद्र आर्य से हमारे ब्यूरो चीफ विजय की खास बातचीत हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट कोटा का चंबल रिवर फ्रंट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अगले महीने के पहले सप्ताह में इसकी तैयारियां की जा रही है उद्घाटन की। फिलहाल मैं कुन्हाड़ी वाली साइट पर हूं, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़े घंटे के बारे में बता देना चाहता हूं आपको कि ये घंटा 7 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके पेंडिंग हैं। इस घंटे की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये घंटे की जो गूंज कोटा में 7 किलोमीटर आगे तक सुनाई देगी। पूरी तैयारियां जोरों पर है और अंतिम चरण में है। घंटे की कास्टिंग जो होने वाली है वो अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं कि भट्टियां चलाकर टेस्टिंग की जा रही है। ये जो फर्नेस है इनको जलाकर टेस्टिंग की जा रही है। इन फर्नेस से बड़ी संख्या में यहाँ फर्नेस मौजूद हैं। इन फर्नेस से पीतल पिघलाकर इस पीतल से घंटा को बनाया जाएगा, घंटे को सांचे में डाला जाएगा। घंटे को बना रहे हैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य, वो हमारे साथ हैं। मैं आपको उनको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। देवेंद्र जी स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाते हैं और इस घंटे को बना रहे हैं। देवेंद्र जी, इस घंटे की सबसे बड़ी खास बात तो है कि दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है और प्योर नॉन फेरस में, परंतु मैग्नेटिक नॉन फेरस है ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और तो खास बात मैं पहले कई बार आपको बता चुका कि इसकी आवाज़ तकरीबन 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी, पर आवाज़ की इंटेंसिटी कम होगी। ये 8 किलोमीटर दूर का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ आवाज़ होगी। द साउंड विल ट्रेवल अप टू 8 किलोमीटर। अच्छा, इसका वजन कितना रहेगा? इसका वजन हुक और घंटा टोटल मिला के, मतलब घंटे का वजन 79,000 kg, मतलब 79 मेट्रिक टन। अच्छा, और इसको लटकाया कहाँ जाएगा? इसको लटकाने के लिए पेडेस्टल पास में बना है आरसीसी का, उसके ऊपर जो हुक बनाने का काम था हुक बनवा दिया मैंने, उसके ऊपर लटका दिया। बाकी अभी जो भी पेडेस्टल कंपनी है उसकी फिनिशिंग कर रही है, उसके ऊपर लटकाया जाएगा जो तकरीबन यहाँ से 300 मीटर दूरी पर है। 300 मीटर। तो इस घंटे को यहाँ बनाया जाएगा? हाँ, घंटे को इस फैक्ट्री में केवल बनाया जाएगा। उसकी फिनिशिंग की जाएगी, बाहर से पॉलिशिंग की जाएगी और उसके बाद इसको क्रेन के द्वारा वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो घंटा की कास्टिंग जो है वो कब हो रही है? घंटे की कास्टिंग की प्रोसेस तकरीबन 1 महीना हो गया, चालू हो चुकी है। किसी भी कास्टिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है जब हम मोल्ड बॉक्स को बंद करना चालू करते हैं तो वो कास्टिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है। अभी करीब 75% बॉक्स बंद हो चुके हैं, 25% रह गए हैं, क्योंकि किसी भी बॉक्स को बंद करने के लिए हमको बहुत से सेंटर्स मिलाने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा टेक्निकली दिक्कत आती है। परंतु अभी करीब 20 बॉक्स बंद हो चुके हैं, केवल 8 बॉक्स बाकी हैं, जिनको अगले 1-2 दिन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हो जाए, 2 दिन में हो जाए, नहीं हो 5 दिन में भी नहीं हो, क्योंकि टेक्निकल मैटर है, इसमें कुछ भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसको ढाला किस तरीके से जाएगा, इस प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे आप थोड़ा सा? इसमें हमने स्पेशल जो स्क्रैप मंगाया है उसके साथ कई दूसरे एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 भट्टियाँ लगी हुई हैं। कल हमने करीब 10 भट्टियों का ट्रायल किया था, क्योंकि इतने टाइम में मॉइस्चर पिकअप कर लेते हैं, उनका मॉइस्चर रिमूव किया था। आज भी हम करीब 10 भट्टियों का मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं, कल भी हम करीब 10 से 15 भट्टियों का मॉइस्चर रिमूव करके इस पूरी मॉइस्चर प्रक्रिया को बंद कर देंगे। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल्टिंग। सेकेंड स्टेज में हम इसके अंदर फिर दोबारा से हीटअप करेंगे जब हमारे बॉक्स पूरे बंद हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको मेटल से चार्ज करेंगे। मेटल से चार्ज करने के बाद करीब आप ये मान के चले हैं कि हम 4 से 5 घंटे के अंदर हम पूरा इसको 950 डिग्री तक ले जाएंगे। उसके बाद थर्मिक प्रोसेस से हम इसको टेम्परेचर को राइज अप करके 3000 डिग्री तक लेके जाएंगे, जो कि टोटल मेटल का टेम्परेचर 1400 के करीब हमको फाइनली मिलेगा। और उसके बाद इसको लेडल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करके हम इस पूरे मोल्ड बॉक्स के अंदर टॉप बॉटम पोरिंग से टॉप से हम मेटल को डालेंगे। अब
एक साल से तैयारी चल रही है। हाँ, इसकी तैयारी एक साल से चल रही है। जब चालू हुआ था, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ करीब 3 फीट पानी था, तो ज़मीन करीब 5 फीट नीचे थी, तो वो सबसे धार आते आते टाइम तो लगता है। एक साल की तैयारियों में जो घंटा, जिसकी तैयारियां की जा रही है एक साल से, वो केवल 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जब भी ये बेमिसाल घंटा बनकर तैयार होगा, तब निश्चित रूप से कोटा के पर्यटन की दशा और दिशा बदल देगा। सच बेधड़क के लिए कोटा से प्रणय विजय।